अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ पे भी आप हैं आबाद रखे, खुश रखे और आपकी सारी दिली मुरादें पूरी करें, नेक ख्वाहिशात पूरी करें। तो चले आज कोई व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, आज जस्ट आपके लिए जो फोर्थ स्ट्रीट स्टाइल जो है हमारी कढ़ाई होती है बहुत ही मशहूर और बहुत ही यमी किस्म की, आज हम करने जा रहे हैं उस कढ़ाई की रेसिपी का शूट। तो यहाँ पर मेरे पास आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर चिकन है तो इसको हम बनाएंगे आज कढ़ाई के लिए। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लेनी है, मोटे पैंदे वाली कढ़ाई लेनी है और इसको हमने रख देना है चूल्हे के ऊपर। चलिए अब फ्लेम ऑन करते हैं हम। अच्छा जी, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, इसके बाद इसके अंदर ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, आपने बहुत ही ध्यान से और बहुत ही गौर से देखना है। इसके अंदर मैंने ग्राइंड किया हुआ प्याज ऐड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, बहुत ही मज़े की और बहुत ही, अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है कुछ भी पकाने का तो आप सारे काम छोड़कर इस रेसिपी को चिकन ऊपर रखें। उसके बाद इसके अंदर आपने डालने हैं टमाटर, चार टमाटर मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और जनाब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस, तो नमक ऐड कर रही हूँ मैं एक चम्मच से थोड़ा सा कम, अपने हिसाब से आपने सारे नमक मिर्च अपनी ऐड करनी है। और लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चें। चलें जी, अब हमने क्या करना है, हमने ये सारा कुछ इसके अंदर डाल दिया है, इसको हम करेंगे मिक्स। तो चलिए जल्दी जल्दी से तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं हम। तो थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करना हम भूल गए थे। और सारा कुछ हमने मिक्स कर दिया है, एक दफ़ा हम करेंगे दोबारा से मिक्स। और आपके मेहमान अगर आए तो आप इस कढ़ाई को रख कर बस आराम करें, सुकून करें, आपकी कढ़ाई आपके पास 25 से 30 मिनट में बनकर आपके सामने आ जाएगी। जस्ट आपने इसको एक से दो दफ़ा आप इसके ऊपर खड़े होना है इसको पकाने के लिए, उसके बाद आपकी जान जो है वो बिल्कुल सुकून में आ जाएगी। ठीक हो गया, तो चलें जी सारे मसाले हमने मिक्स कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, कढ़ाई आपने जो भी लेनी है आपने फ्लेम उसके ऊपर इतनी ही रखनी है जितनी फ्लेम के ऊपर ये कढ़ाई जो है वो आराम से पक जाए, या ये ना हो कि आग कढ़ाई से बाहर आ जाए, क्योंकि जो बड़े बड़े होटल होते हैं उनके चूल्हे बड़े होते हैं, हमारे घर के चूल्हे छोटे होते हैं, तो इसी वजह से हमने उसी हिसाब से इसको कुक करना है। तो अब क्या करेंगे, इसको अभी हम ऊपर ढक्कन देकर इसको ढाँप देंगे। तो जनाब इसको हमने ढाँप दिया है, अब इसको हमने तकरीबन 15 मिनट के बाद देखना है, 15 मिनट के बाद दोबारा से मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस पूरे 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए टमाटर ने और प्याज ने अपना पानी छोड़ा हुआ है, 15 मिनट गुजर चुके हैं पूरे। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे और तेज़ आंच करके हम मसालों को पकाएंगे। और जैसे ही टमाटर थोड़े से मज़ीद गलेंगे तो इसके जो छिलके हैं वो मैं ऊपर से उतार दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से छिलके जो हैं वो उतरना शुरू हो जाएंगे टमाटर से, उसके बाद टमाटर जो है वो गलने में आसानी हो जाएगी। तो टमाटर के छिलके सारे हमने उतार दिए हैं, चलें अब इनको हम ग्रेवी सी बना लेंगे टमाटरों की इस तरह से। और उसके बाद इसके अंदर हम ऑयल डालकर इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो गाइस अभी हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं ऑयल, हसबे ज़रूरत ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे जिससे अच्छी तरह से हमारी जो कढ़ाई है वो भुनी जाए।
तकरीबन हमने इसको 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से भूनना है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है, क्योंकि मैंने इसको भूना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो इस स्टेज पे अब हमने इसके अंदर ऐड करना है दही, यानी कि योगर्ट। तो चलिए इसके अंदर योगर्ट ऐड करते हैं। आंच आपने धीमी ही रखनी है और थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर योगर्ट ऐड करते जाना है। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए है आप उसी हिसाब से इसके अंदर योगर्ट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसको हमने दही में पकाना था और इसी के साथ हमने इसके अंदर डाल देना है गरम मसाला और सूखा धनिया। और जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, हम आंच नीचे से बंद कर देंगे और इसको हम करेंगे बड़े ही मज़े से ग्रीन ग्रीन सी गार्निशिंग कर तनावल, यानी कि खाएंगे। ठीक हो गया। और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो जनाब, ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड की है, ये मोटी वाली चिली है। इसका जस्ट एक अरोमा आएगा, ये बिल्कुल भी आपकी जो चिकन कढ़ाई है उसको स्पाइसी नहीं करेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इस पॉइंट पे आकर इसके अंदर अदरक भी डाल सकते हैं और इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है, तो इसी वजह से फिर मैंने इसके अंदर अभी थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड की है। तो गाइस, कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलें अब इसकी हम करते हैं ड्रेसिंग। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक। अदरक ज़्यादा भी अच्छा लगेगा और थोड़ा भी अच्छा लगेगा, जितना आपका दिल करेगा आप उतना डाल सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम रखेंगे लेमन और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया। चलें जी, ये है हमारी फूड स्ट्रीट स्टाइल जो चिकन कढ़ाई है वो। और आप मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इस रेसिपी को आपने बनाना है, मुझे बताना है कैसी बनी, और इस रेसिपी को आपने करना है शेयर। तो इसी के साथ इंशाल्लाह दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हो जाऊँगी। अपना, अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।